हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो। और भाई लोग सभी कैसे हैं? भाई आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैथ वर्ल्ड एयर कंडीशनिंग पे। भाई आज हम ब्लू स्टार डीप फ्रीज है उसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो भाई अब मैंने कंप्रेसर इसमें फिट कर दिया है और ये पिन वॉल भी लगा दिया है और रिले की भी फिटिंग कर दी है। रिले पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आप सब भाइयों के लिए, इसकी रिले की वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है भाई लोग, अब इसमें मैं टाका लगाता हूँ, पहले फिर इसकी फ्लशिंग अच्छी तरह करेंगे। मैं इसको अच्छी तरह फ्लशिंग करना ज़रूरी है। ये देखिए पानी कितना निकल रहा है, जो इसमें मॉइस्चर होता है वो सारा पानी फेंक दे, नहीं तो जाएगा कैपिलरी को चोक कर देता है। तो भाई लोग इसमें फ्लशिंग मैंने सारी कर दी है। अब फ्लशिंग करने के बाद अब ये मैंने टाँका भी अब इसमें लगा दिया है। टाँका इसमें क्या है, पाइप सेम थी तो मैंने अलग से, इससे पतली पाइप आती है एक फ्रिज की, वो मैंने इसमें लगा के अब इसको टाँका लगा दिया है। अब मैं इसमें प्रेशर डाल के इसको पहले लीकेज चेक करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो भाई देख लीजिए इसमें अब मैंने वैक्यूम पहले पर कर देता हूँ। मैं वैक्यूम मैं करके अच्छी तरह फ्लशिंग कर दी थी, मैंने टाका लगा दिया है। अब उसके बाद प्रेशर होल्ड करने के बाद, लीकेज चेक करने के बाद अब मैंने इसमें वैक्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको एक बार वैक्यूम अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि वैक्यूम करना ज़रूरी है इसमें। जब टाका लगाते हैं तो काफ़ी कचड़ा इसमें रह जाता है। ठीक है भाई लोग, तो वो करना ज़रूरी है। तो भाई लोग इसमें सारी मैंने वैक्यूम कर ली है, अब इसमें हम प्रेशर होल्ड करते हैं। पहले तो इसमें 60 से 70 प्रेशर हमें डालना पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, तो आप देख लीजिए इसमें मैंने 50 पॉइंट के आसपास, अभी तो मैंने 12.5 पॉइंट है, तो इसको 50 पॉइंट तक इसमें गैस मैं डालूँगा। चालू कर दें, क्या कर दूँ? ऑन कर, फ्रीजर ऑन कर दे, तो बोला वहाँ पर। तेज बारिश आ रही है। लोग तो इसे जब तक तो भाई लोग इसमें जो बैक प्रेशर आपको रखना है उसका 10 से 15 के बीच में रखना है। ठीक है भाई लोग, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इसका बैक प्रेशर आपका 12.5 के आसपास हो गया है और कंडेंसर हीट भी हो गया काफ़ी और हल्की हल्की फ्रीजिंग हो रही है कूलिंग कॉइल में, अंदर डीप फ्रीज में। बाकी ये इसके कुछ एम्पियर भी देखो, 2.5 एम्पियर आ गए हैं जो डीप फ्रीज के आते हैं, तो एम्पियर भी सही ले रहा है और
एक बार कूलिंग चेक कर लेते हैं, कूलिंग भी हो रही है इसमें धीरे धीरे, ऊपर की क्वालिटी सारी उठने लगी। इसमें क्या दिक्कत है कि भाई लोग इसके नीचे कूलिंग होती नहीं है, तो मोस्टली अभी फ्रिज में दिक्कतें आती हैं कि हम जब गैस डालते हैं तो नीचे कूलिंग नहीं होती है, ठीक है भाई लोग। तो बाकी ये रेशो आप ब्लू स्टार का डीप फ्रीजर है, देख लीजिए, इसका 160 वॉट का इनपुट है और 50 हार्ट्स का है रेटिंग फ्रिक्वेंसी, और जो गैस इसमें डलेगी 1.2 एम्पियर रहती है। लेकिन ये हमारा पुराना डीप फ्रिज का है, इसमें नया कंप्रेसर डला है, तो इस कंप्रेसर का जो है एम्पियर वो 2.5 एम्पियर के आसपास रहेगा। तो मैंने अब जो इसका बैक प्रेशर हो गया है वो आप फाइनल मैंने इतना बैक प्रेशर इसमें रखा है जो कि हम रख सकते हैं, और इसकी कूलिंग भी बढ़िया आ रही है, देख लेते हैं अभी, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ठंडा हो रहा है, और नीचे इसका ठंडा ज़्यादा होता नहीं है, ऊपर ऊपर ही ठंडा होता है, शुरू से ये दिक्कत रही है।